सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। नेशनल बिल्डिंग कोड इंट्रोडक्शन। नेशनल बिल्डिंग कोड एक कंप्रेहेंसिव कोड है एंड इट इज अ नेशनल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर रेगुलेटिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री। 1970 से पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए किसी भी तरह की स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं थी। इसी की वजह से कई तरह के मेजर इंसिडेंट हुए और लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ। इसी के चलते आफ्टर 3rd 5-year प्लान प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया कि कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स की स्टडी डेप्थ में होनी चाहिए। फॉर दिस स्टडी 1965 में एक एक्सपर्ट पैनल अपॉइंट किया गया जिसने फर्स्ट रिपोर्ट 1968 में पब्लिश की। इस रिपोर्ट का टाइटल था रिपोर्ट ऑन इकोनॉमिक्स इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इस रिपोर्ट में बताया कि जो एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड बायलॉज ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज आर ओल्ड फैशन्ड जो कि करंट सिनेरियो में सेट नहीं होते हैं। एंड रिपोर्ट में ये भी इंडिकेट किया कि डिजाइंस आर ओवर बर्डन्ड विद सेफ्टी फैक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ कमिटी रिकमेंडेशंस 1970 में फर्स्ट टाइम एनबीसी का फॉर्मुलेशन हुआ। इस कोड में 1970 से लेकर 2000 के बीच में तीन मेजर अमेंडमेंट्स हुए। ये तीन मेजर अमेंडमेंट्स 1983, 1987 एंड 1997 में हुए। ये अमेंडमेंट्स डिटेक्शन सिस्टम, फायर लोड एंड लोड डेंसिटी, डाउन कमर, स्प्रिंकलर एंड फायर रेटिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से रिलेटेड थे। इन अमेंडमेंट्स के बाद में 16 सितंबर 2005 को न्यू रिवाइज एनबीसी रिलीज की गई। इस एनबीसी के टोटल 11 पार्ट्स थे। 2005 से 2016 के बीच में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बहुत तेजी आई। इस दौरान बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी, मॉल्स बने, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनी, जिनकी वजह से लाइफ सेफ्टी से रिलेटेड कई सारे न्यू इश्यूज डेवलप हुए और इस दौरान कई डेविस्टेटिंग फायर इंसिडेंट हुई, जैसे कि 2013 में मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में फायर हुई जिसकी वजह से 19 लोग मारे गए। 2012 में तमिलनाडु में प्राइवेट फायरवर्क फैक्ट्री में फायर हुई जिसकी वजह से 54 लोगों की जान चली गई। 2011 में कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल में फायर हुई जिसकी वजह से लगभग 89 लोगों की जान चली गई। 2006 में ब्रांड इंडिया फेयर एट मेरठ में फायर हुई जिसमें लगभग 1000 लोगों की जान चली गई। इन सभी फायर इंसिडेंट्स ने इंडिकेट किया कि नेशनल बिल्डिंग कोड में अभी भी कई तरह की लूप होल्स हैं जिनको की करेक्ट करने की जरूरत है। न्यू डेवलपमेंट एंड रिसेंट फायर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 को अगेन रिवाइज किया गया एज एनबीसी 2016, जिसे कि फॉर्मली 15 मार्च 2017 को रिलीज किया गया। ए प्रोजेक्ट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड वाज टेकन अप अंडर द सपोर्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड सेक्शनल कमिटी CED 46 ऑफ BIS एंड इट्स 22 एक्सपर्ट पैनल्स, जिसमें लगभग 1000 एक्सपर्ट लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपनी रिकमेंडेशन दी। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के टोटल 12 पार्ट्स एंड 33 चैप्टर्स हैं। इन 12 पार्ट्स में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टर्म्स की डेफिनेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, डेवलपमेंट रूल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड फायर सेफ्टी के बारे में डिटेल्स दी गई है। एज ए फायर सेफ्टी प्रोफेशनल हमारा सबसे ज्यादा फोकस पार्ट 4 दैट इज रिलेटेड टू फायर एंड लाइफ सेफ्टी पर होना चाहिए। जनरली यह देखने में आया है कि बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, इंस्टॉलर कोड को अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं। उनका पर्पज सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करना और डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी होता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब फायर सेफ्टी प्रोफेशनल भी कोड को लाइफ सेफ्टी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट नहीं कर पाता और गलत डिसीजन ले बैठता है, जिसकी वजह से रियल फायर सिनेरियो में सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। टू अवॉइड सच सिचुएशन वी विल डिस्कस ईच टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू पार्ट 4 एंड पार्ट 7 एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गिवन गाइडलाइन। फायर जोन क्लासिफिकेशन।
फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड सिटी और पार्टिकुलर एरिया को बेस्ड ऑन इनहेरेंट हैजार्ड ऑफ द बिल्डिंग एंड टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन तीन जोन में बांटा गया है, दैट आर फायर जोन नंबर 1, फायर जोन 2 एंड फायर जोन 3। फायर जोन 1, इस कैटेगरी में कई तरह की बिल्डिंग्स आती है, जैसे कि रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, स्मॉल बिजनेस का सब डिवीजन A1, मर्केंटाइल एंड द एरिया विच इज अंडर डेवलपमेंट ऑफ दीज ऑक्यूपेंसीज। फायर जोन टू में जो बिल्डिंग्स आती हैं वो हैं बिजनेस बिल्डिंग का सब डिवीजन A2, A3, A4 एंड A5, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के सब डिवीजन G1 एंड G2, और इसके अलावा वो ऑक्यूपेंसी जो कि इन पार्टिकुलर ऑक्यूपेंसी के अंडर में डेवलप हो रही हैं, वो सभी तरह की बिल्डिंग्स फायर जोन 2 की कैटेगरी में आएंगी। फायर जोन 3, इस जोन में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के सब डिवीजन G3, स्टोरेज बिल्डिंग, हैजार्डस बिल्डिंग और वो एरिया जो कि इन पार्टिकुलर ऑक्यूपेंसी के अंडर में डेवलप हो रहे हैं, वो सभी फायर जोन 3 की कैटेगरी में होंगे। अब हम बात करते हैं फायर जोन ओवरलैपिंग की। द नंबर ऑफ द फायर जोन इन दिस सिटी और एरिया कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सच एज एग्जिस्टिंग लेआउट, टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर डेवलपमेंट। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि ड्यू टू एग्जिस्टिंग लेआउट, स्ट्रक्चर और ओल्ड ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन की वजह से पार्टिकुलर एरिया पर एक से ज़्यादा जोन एप्लीकेबल होते हैं, तो उस कंडीशन में उस एरिया के लिए दी जाने वाली फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन कौन से पार्टिकुलर जोन के अकॉर्डिंग होगी। इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर सम बेसिक रूल्स, दैट आर रूल नंबर 1, किसी भी पार्टिकुलर कंडीशन की वजह से अगर एग्जिस्टिंग एरिया या बिल्डिंग्स को नए जोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होगी उस पर न्यू जोन की रिकमेंडेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये तब तक एप्लीकेबल नहीं होंगी जब तक कि फायर ऑथोरिटी को ये नहीं लगता कि पार्टिकुलर बिल्डिंग और एरिया की वजह से जो न्यू बिल्डिंग्स हैं उनको किसी तरह का डेंजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग है जो कि 1970 में बना है, तब इसे जोन 1 में रखा गया था। अब डेवलपमेंट होने की वजह से उस पार्टिकुलर बिल्डिंग और एरिया में फायर लोड और अदर हजार्ड्स बढ़ गए हैं। अब 1970 के कंपैरिजन में ड्यू टू हजार्ड इसको नए जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इसका नया जोन है जोन 2। ऐसी कंडीशन में जो भी बिल्डिंग्स उस पार्टिकुलर जोन के अंडर में आती हैं उन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पर नए जोन की रिकमेंडेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन यदि फायर ऑथोरिटी को यह लगता है कि उस पार्टिकुलर बिल्डिंग और एरिया की वजह से न्यू ऑक्यूपेंसी ऑफ दिस एरिया जिनको कि जोन 2 के अकॉर्डिंग बनाया गया है को किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, वहां पे रह रहे लोगों की लाइफ सेफ्टी रिस्क में हो सकती है, तो उस कंडीशन में फायर ऑथोरिटी के पास में ये फुल पावर है कि वह एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी पर न्यू फायर जोन रिकमेंडेशन को अप्लाई कर सकती है। रूल नंबर 2, जैसा कि हमने डिस्कस किया, न्यू जोन की रिकमेंडेशन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पर एप्लीकेबल नहीं होती है, पर अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में किसी तरह का नया कंस्ट्रक्शन होता है या बिल्डिंग को तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी नया कंस्ट्रक्शन होगा उस पर नए जोन की रिकमेंडेशन एप्लीकेबल होगी। रूल नंबर 3, जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जिनका फ्लोर एरिया 500 मीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा है, उनमें किसी भी तरह का अल्ट्रेशन, रिनोवेशन या मॉडिफिकेशन करने से पहले ऑक्यूपेंसी ओनर को लोकल फायर सर्विस अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सच अल्ट्रेशन शेल नॉट इन एनी वे ब्रिंग डाउन लेवल ऑफ फायर एंड लाइफ सेफ्टी बिलो दैट एग्जिस्टेड अर्लियर। Rule number 4 is related to restriction on the type of the construction for new buildings. Based on fire resistance rating, construction को 4 category में divide किया गया है. That are type 1, type 2, type 3 and type 4.
एज गिवन इन टेबल स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की एक पार्टिकुलर फायर रेसिस्टेंस रेटिंग दी गई है. फायर रेसिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट फायर फॉर पार्टिकुलर टाइम. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जोन वन में ऑल टाइप के कंस्ट्रक्शन 1, 2, 3, 4 आर अलाउड. जोन नंबर 2 में ओनली टाइप 1, 2, 3 कंस्ट्रक्शन आर अलाउड एंड जोन 3 इज ओनली लिमिटेड टू टाइप 1 एंड टाइप 2 कंस्ट्रक्शन. रूल नंबर फाइव इज रिलेटेड टू टेम्परेरी स्ट्रक्चर. टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को जोन 1 एंड जोन 2 दोनों के अकॉर्डिंग ऑथोरिटी परमिशन दे सकती है. अगर ऑथोरिटी को लगता है कि किसी पार्टिकुलरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर में लो हजार्ड है और वहाँ पे लिमिटेड लोग रहते हैं और किसी तरह की मेजर फायर रिस्क नहीं है, तो उस कंडीशन में उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को एज पर जोन 1 के अकॉर्डिंग परमिशन दे सकती है. लेकिन इन ओपिनियन ऑफ ऑथोरिटी रिस्क आर मेजर एंड पोटेंशियल लाइफ थ्रेट मे अराइज इन दैट कंडीशन, दे कैन स्ट्रॉन्गली रिकमेंड अबाउट जोन 2 रिकमेंडेशन. यह टोटली फायर ऑफिसर की परसेप्शन, नॉलेज, स्किल एंड साइट कंडीशन पे डिपेंड करता है. दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं. सेफ्टी वॉरियर्स प्रोवाइड ए लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, कोड्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम सच एज इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन दैट आर ऑफर्स बाय निबोस, NFPA एंड IFEUK. नेशनल मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज लाइक BTech फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी PG डिप्लोमा, फायर सेफ्टी डिप्लोमा, फायरमैन कोर्स, सब ऑफिसर कोर्स, STO एंड DO कोर्स, कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कन्फाइंड स्पेस, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इट्स. इन सब के अलावा वी ट्रेन्स यू टू क्रैक फायर प्रोफेशनल गवर्नमेंट एग्जाम सच एज फायरमैन, फायर ऑफिसर, STO एंड एडिशनल डायरेक्टर. इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, प्लीज ऑप्ट इट एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल स्टडीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग.